गाइस गुड मॉर्निंग। अभी आज डे टू हो रहा है और कल पहुंच गए थे यहाँ पे फागदिंग पे लुकला से चलते चलते करीबन 4 घंटा। जैसे कि मैंने कल से आपको सब कुछ बता दिया था मेरे पिछले वाला ब्लॉग में कि आपको गाइड वाइड कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, कल हम लोग फागदिंग में कहाँ रुके थे? हम लोग रुके थे फागदिंग में यहाँ पे स्नो लैंड होटल एंड रेस्टोरेंट, और ये यहाँ का चैंप है, दिस इज चैंप गाय, जिसका नाम है आशीष तवांग। प्लीज़ यहाँ पे जो भी बंदा रहोगे फागदिंग में प्लीज़ यहाँ पे स्टे करो बंदा, ठीक है? बहुत हेल्पफुल है। लाइक रूम मैं आपको अभी दिखाऊंगा क्या व्यू है, नज़ारा, खाना मस्त है, सब मिल जाएंगे आपको, चिकन वेज नॉन वेज सब मिल जाएगा, राइट? सूप वगैरह सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, गर्म पानी सस्ता कर देगा। ही वेरी काइंड गाय, रीजनेबल गाय, ठीक है? और जब भी आप यहाँ पे आओगे तो देख लेना, यहाँ पे मैंने मेरा एक चीज़ लगा दिया है, एग्जैक्टली आपको दिखाई दे रहा होगा। और वो ये भाई साहब है हमारे पोर्टर, क्योंकि हमारा बैग आप देख सकते बहुत ही हेवी है, पर ही इज़ ऑल्सो अ वेरी डिसेंट गाई, वेरी डिसेंट गाई, वेरी हेल्पफुल। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का व्यू, बहुत नज़ारा, बहुत कूल है ये, आप देख सकते हैं नज़ारा। यहाँ पे सारे जो रूम पे जो भी बंदा रहता है सबको एकोमोडेट हो जाता है, एंड इट्स अ वेरी कूल प्लेस टू हैंग आउट। बियर वियर सब आपको मिलते हैं, दिस इज द बियर वाला टैग, सब आपको मिलते हैं। और यहाँ पे सारे देश के लोग जो जो रह चुके हैं सब अपना, क्या बोलूँ, सब अपना निशान छोड़ के गए हैं। तो चलिए हम लोग अंदर जाते हैं। अभी नीचे भी कुछ रूम हैं पर मैंने ऑप्ट किया था मुझे अच्छा व्यू चाहिए, तो अभी हम लोग सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं। और पहले घुसते ये आपका वॉशरूम आएगा, वॉशरूम इज प्रिटी गुड। उदित है अंदर? दिस इज द वॉशरूम, वेरी क्लीन, वेरी नीट। यहाँ पे आपको वॉश बेसिन भी मिलते हैं। और ये है हमारा रूम, दिस इज आवर रूम, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सोया था, यहाँ पे उदित सोए थे, रूम नंबर 20210। ये हमारा ट्रेक पोल है, सब कुछ और कंबल वगैरह सब कुछ आपको मिल जाते हैं। वैसे मैं तो अपना स्लीपिंग बैग में सोया था। और ये है कुछ यहाँ का नज़ारा, तो मैं सोचता हूँ आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा ये नज़ारा यहाँ से, इट्स अमेजिंग। और इस रूम का जो टोटल मिला मुझे डील दो बंदे के लिए, मैं रुदित, 100 रुपीज़ पर बेड, लेकिन ये बेड का 100, इस बेड का 100, तो रूम मिला हमें 200 का, खाने का 100 रुपीज़ फॉर मी, 100 रुपीज़ फॉर उदित, तो टोटल 400 फॉर विद टू ऑफर्स, तो एक बंदे का 200 रुपया में। इट आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डील। तो जो भी आपको चुना लगाता होगा ना 70,000 1 लाख का, प्लीज़ मत सुनिए, प्लीज़ हाँ प्लीज़। और गर्म पानी आप यहाँ पे ठंडा पानी यूज़ मत करिए, इतना ठंडा अभी फ़िलहाल है ही नहीं, पर ठंडा पानी का बॉटल यहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली मिलेंगे आपको, तो बेटर गो फॉर हॉट वाटर, जो कि आपको 50 से मिलेगा, बॉडी के लिए भी अच्छा है। और आप कुछ भी, जैसे कि मैं तो अपना खाना कैरी कर रहा हूँ, मूसली वगैरह, कॉर्नफ्लेक्स टाइप, गर्म दूध पाउच कैरी करिए, वो सब करके हम लोग अभी ब्रेकफास्ट किए हैं, ब्रेकफास्ट करके, ब्रेकफास्ट हो गया, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स नामची जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा। डे टू आज शुरू हो गया है, यहाँ से 8 घंटे का ट्रेकिंग है, मेरे लिए तो 10 घंटे होगा, आई एम ए स्लो ट्रेकर। और बहुत ही बढ़िया, मैंने आलिशान यहाँ पे कल टाइम लैप्स बनाया था यहाँ से बादल पूरा करते हुए, सब आपको ब्लॉग मिल जाएंगे बहुत ही जल्दी। उदित वेयर आर यू, वेयर आर यू? तो ये है स्नो लैंड व्यू होटल एंड रेस्टोरेंट, मिलेंगे आशीष से। मैंने अपना कागज़ वहाँ पे छोड़ दिया है, फॉलो माई, जो जो नहीं फॉलो कर रहे, मेरा इंस्टाग्राम प्रीतम द ट्रैवलर, यूट्यूब प्रीतम द ट्रैवलर, फेसबुक पेज प्रीतम द ट्रैवलर, बहुत इजी है, सेम नाम से मैंने सब कुछ, सोशल मीडिया हैंडल मेरा सेम है। और आशीष बहुत हेल्पफुल, बहुत रिजनेबल, इतना सस्ता तो मेरे ख्याल से नहीं मिलेंगे आपको। और जो व्यू है आप देख सकते हैं, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, काफ़ी अच्छा है। और ये उदित आ गए, कल हम लोग जैसे कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि रूम का भाड़ा टोटली 200 रुपया 100 पर बेड, और खाने का 200, 400 में हमने डील फाइनल कर दिया। अगर आप लोगों को एवरेस्ट बेस कैंप का टी शर्ट चाहिए होगा तो थंबनेल से इजीली मिल जाएगा। मैंने बहुत सारा लिया है, पूरा ट्रेक डेस्टिनेशन का वो सब आपको दिखा दूंगा। थंबनेल इज अ वेरी चीप, थंबनेल इज लाइक हमारा कलकत्ता या दिल्ली में जो क्या बोले, दिल्ली स्टेशन से पहला नंबर पे आप जाएंगे ना, वो रोड का क्या चौड़ाई है, या फिर मेरे कलकत्ता में जो एस्प्लेनेड है, आपको बार्गेन करना पड़ेगा। इफ यू हैव दैट स्किल ऑफ बार्गेनिंग देन
आपको बहुत ईजी है, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो नाउ वी आर ऑल सेट, बैग हमारा नीचे ले लिए है पोर्टन ने, उसका उसका नाम क्या है भाई? राम। राम, उसका भी नाम राम है, नेपाल में राम इज़ वेरी कॉमन। मेरा दोस्त भी है राम जो मेरे घर के सामने रहता है, एंड ही इज़ ऑल्सो नेपाली है। क्योंकि आपको सबको पता होगा मेरे कलकत्ता में मैं जहाँ पे रहता हूँ वो एक नेपाली कम्युनिटी है, सब मेरे घर के सामने सारे नेपाली रहते हैं, तो आई अंडरस्टैंड नेपाली टू। और हम लोग सेट है आज के लिए, जय माता दी। बस 8 घंटे का ट्रेक है, पहुंच जाएंगे नामची। नामची इससे और ऊंचाई है, ये ऑल्टीट्यूड है 2600 समथिंग, नामची होंगे 4000 समथिंग, राइट उदित? 4000 समथिंग। तो ओके ऑल सेट, और प्लीज यहाँ पे स्टे करिए। ओके बाय बाय, स्टे ट्यून, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। सो गाइज, अभी मेरे होटल से मैंने शुरू किया है, ये फागदिंग है, और वहाँ से मैं रुका था स्नो व्यू होटल में, और अभी मैं वो व्यू आप देख सकते हैं पूरा एवरेस्ट रीजियन का कैसे व्यू दे रहा है। और यहाँ पे बहुत सारा होटल है, ये हमारा ट्रेल होगा ABC के लिए, और रुकने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है आपको यहाँ पे, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, खाना वाना सब आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। लोग यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है, काइंड हार्टेड है, जैसे कि हमारे सारे पहाड़ी रीजन में होते हैं हमारे इंडिया में। और आज का ट्रेक थोड़ा सा कठिन होने वाला है, थोड़ा लंबा होने वाला है, 8 घंटे का नॉर्मल ट्रेक है यहाँ से नामचे। यहाँ का हाइट 2600 समथिंग, नामचे का 4000 प्लस समथिंग, और ये स्टिल फागदिंग है, फागदिंग क्रॉस कर रहे हैं ये पीछे का, और ये फागदिंग ऊपर का। अभी टाइम बजा है 9:30, 8 बजे उठा था, उठ के थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, फ्रेश हुआ, बस चल दिया अभी, तो लेट्स सी कि आज कितना आसानी से कर सकते हैं ट्रिप। पर आपको सारे यहाँ तक आने के लिए आपको कोई गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और रहना खाना जैसे कि मैंने जो होटल में रहा उसका ब्लॉग मैंने बनाया, पीछे वाला ब्लॉग डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगा, मिल जाएंगे। तो ये कुछ व्यू है आपका यहाँ का फागदिंग, रास्ता भी फिलहाल अभी है वो एक झरना, ये एकदम यहाँ पे जो भी नदी झरना आपको मिलेंगे सब ग्लेशियर का पानी है, पूरा का पूरा ग्लेशियर, देख सकते हैं कितना साफ है। और यहाँ पे इतना सारा होटल है, उदित 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 गलत चला गया, वे टू नामची इधर है, फिर मुझे उसको बुला के लेके आना पड़ेगा। उदित वे टू नामची इधर है, तो उसको मैंने बुला लिया, वो गलत चेक पे चला जा रहा था। सीधे आएंगे आप, सीधे आके वे टू नामची इधर लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वही तो नामची। और इसको ज़रूर घुमाना, इसको ज़रूर घुमाना ओम मणि पद में हम, ठीक है। तो यहाँ से आपका वही तो नामची है, ये देख वहाँ भी लिखा है, वहाँ भी लिखा है, और इतना सारा होटल्स है, जय माता दी रॉक बोल के बस आज ही पहुँच जाए टाइम पे, पहुँचते वहाँ से 4-5 तो बच ही जाएगा नॉर्मली। बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सारे हैं, देयर आर सो मेनी, और एक रूट बना हुआ है, कोई गाइड की आपको ज़रूरत नहीं है, जिसके मैंने आपको दिखाया ना, आपको कहीं पर भी आप लॉस्ट नहीं होंगे। फिलहाल फर्स्ट दिन तो मैंने बताया, आज नामची जा रहा हूँ, हाँ भी आपको बताऊँगा, व्यू देखिए मस्त व्यू, छोटा सा केज, बाय। ये देखिए यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है जो कि 25 मिनट का वॉक है यहाँ से, यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है जो 25 मिनट से है, पेमा चोलिंग मोनेस्ट्री। तो चलिए हम लोग पेमा चोलिंग
मोनेस्ट्री की तरफ पहले चलते हैं। यहाँ पे घरवाड़ी सब चल रहा है काम, और ये स्ट्रीट फाउंडिंग है। ये देखिए कितना गोलू मोलू सा किड है ये। हाय बेटा, और सारे आपके स्टेशन भी शॉप्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये फुल फाउंडिंग पूरा मार्केट एरिया में आ गया हम लोग। तो मार्केट एरिया ऐसे ही होगा, फिर ब्लॉग मैं आपको दिखाता हूँ जब हम लोग पेमा चोरी मोनास्ट्री पहुँचेंगे यहाँ से 25 मिनट की वॉक पे। ओके, तो स्टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।